सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सिंघू बार्डर से पत्थरबाजी करने वाले च बीजेपी के लोग शामिल, कई की हुई पछाण। सिंघू बार्डर से शुक्रवार को पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी उस वेले हुई जदों कुछ लोग अपने आप को स्थानक होने का दावा करते हुए धरने वाली थां ते आ गए। वड्डी भीड़ ने पुलिस बैरीकेडा पार किया, विरोध कर रहे किसानों से पत्थरबाजी शुरू कर दी। उन्होंने किसानों के टेंट भी पुट सुटे और किसानों से लाठियां भी चलाईया। गुंडागर्दी करते लोग दावा कर रहे कि वह स्थानक लोग हैं, किसानों के अंदोलन तो परेशान हैं। वो कह रहे कि किसानों ने गणतंत्र दिवस मौके राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, जिसनों वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम मीडिया चैनलों ने भी इन लोगों के स्थानक होने का दावा किया, पर अल्ट न्यूज़ ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भीड़ में शामिल बीजेपी के लोगों का पर्दाफाश कर दिता। अल्ट न्यूज़ जो अपने फैक्ट चैक लिए बेहद मशहूर है, ने इस गल की बारीकी पड़ताल की कि आखिर स्थानक होने का दावा करने वाले लोग कौन हैं। भीड़ में शामिल एक व्यक्ति की पछाण अमन दवास वजो हुई। उसका ब्याह बीजेपी लीडर और वार्ड नंबर 31 तो कौंसलर अंजू कुमारी नाल होया। यह लोग बीजेपी के कई समागमों में भी वेखे जा चुके हैं। एक तस्वीर में अमन गृह मंत्री अमित शाह नाल भी वेख्या जा सकता है। जानकारी मुताबक ये लोग 15 किलोमीटर दूर के वासी हैं। बड़ा सवाल यह है कि 15 किलोमीटर दूर वाले लिए अंदोलन मुसीबत किवें हो सकता है। एक होर व्यक्ति की पछाण कृष्ण दबास वजो हुई। यह व्यक्ति बीजेपी लीडर रविंदर कुमार और संदीप सेहराबत का काफ़ी करीबी माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो संबंधी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिओ। जल्दी मिलते हैं एक नवी खबर के नाल। तद तक सत श्री अकाल।